जय हिंद आप सभी को। ये आपका टास्क 12, 13 और 14 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहले पार्ट में आपका टास्क और दूसरे पार्ट में आपके जो भी डाउट्स थे उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा। तो अगर आपको सिर्फ टास्क चाहिए तो आप अपना पढ़ाई करने बैठ सकते हो, आगे की वीडियो आप स्किप कर सकते हो। हम एक डाउट, एक स्पेशल डाउट है RRB JEE के लिए गाइडेंस, इसके लिए अब जो समय मैं निकाल पा रहा हूँ वो काफ़ी कम है। जैसे कल भी मुझे समय नहीं मिला था तो मैंने जस्ट एक पेपर पर आपका टास्क लिख के अपलोड कर दिया था, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके बीच में। इसलिए कुछ भी होता है, वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो मैं एक पेज पर लिख कर अपलोड कर देता हूँ। लेकिन इसका कोर्स भी बिल्कुल अलग है, जो मैंने देखा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा ये भी, CBT 1 और 2 में। तो गाइड में कर सकता हूँ आपको, लेकिन मुझे कुछ ऐसे कमिटेड बच्चे चाहिए कि जिनके लिए मैं अगर वीडियोस बनाऊँ अपना पर्सनल टाइम निकाल कर भी तो मेरे ऊपर जोड़ना पड़े। मतलब मुझे 50 ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो कमिटमेंट करने के लिए आज तैयार हों कि हम हर दिन का टास्क कंप्लीट करेंगे, हम RRB JEE इस बार निकाल के रहेंगे। ऐसे मुझे 50 स्टूडेंट्स चाहिए। अगर ये 50 स्टूडेंट्स मुझे मिल जाते हैं तो मैं अपने पर्सनल टाइम से अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपना थोड़ा सा और टाइम पर्सनल टाइम निकाल के ये वीडियोस बनाने के लिए तैयार रहूँगा। तो RRB के लिए मेरी गाइडेंस प्रोग्राम डिपेंड करती है आप लोगों के ऊपर। अगर ये 50 बच्चे चाहते हैं, कौन है 50 बच्चे? आज की इस वीडियो के नीचे अगर 50 बच्चे, अपना कोई भी 50 बच्चे हो सकते हैं, वो मिनिमम 50 चाहिए मुझे, अपना नाम और साथ में नीचे अपनी कमिटमेंट कि आई विल कम्प्लीट ऑल माई टास्क टिल द एग्ज़ाम, मैं अपना हर एक टास्क करूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ये अपना नाम और अपनी कमिटमेंट। अगर ऐसी 50 कमिटमेंट मुझे नाम के साथ मिल गई तो मैं जैसे SSC JEE मेन्स का मैं टारगेट आपको देता हूँ, ऐसे मैं RRB JEE का भी देने लगूँगा। क्योंकि टारगेट देने का फ़ायदा तभी है, ये भी एक अलग एक वीडियो हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप तैयार हो कमिटमेंट के लिए कि आप हर दिन टास्क को कंप्लीट करोगे तो मैं तैयार हूँ आप लोगों के लिए अपना समय निकालने के लिए। आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप 50 बच्चे, मिनिमम 50 बच्चे ये कमेंट कर देते हैं और उसके बाद हर एक दिन वो अपडेट करते हैं कि आज आपने अपना टास्क कंप्लीट किया है। SSC JEE मेंस का मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, मुझे 50-60 बच्चे डेली हर एक दिन अपना टास्क कंप्लीट करके टास्क 1 कंप्लीट, टास्क 2 का कंप्लीट इस तरह से मैसेज करते हैं। बड़ी खुशी होती है कि हाँ, ये जो मैं समय निकाल रहा हूँ किसी का फ़ायदा हो रहा है, शायद कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। जब ये खुशी होती है तो अंदर से मन करता है कि चलो ठीक है, समय निकाल लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो RRB JEE की गाइडेंस आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हो, तो अगर ऐसे 50 स्टूडेंट मुझे नहीं मिलते हैं तो मैं फिर सिर्फ एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, बिल्कुल फेयर एनफ चीज़ है। तो अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो कि मैं एक वीडियो में ही आपको पूरा बता दूँ कि आपको पूरे महीने की आगे तक की स्ट्रेटजी कैसे रखनी है। तो ये अगली वीडियो जब मैं संडे को बनाऊँगा, तो अगर ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, मुझे 50 कमिटमेंट्स मिल जाते हैं, तो मैं संडे से स्टार्ट कर दूंगा आपका RRB JEE का गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है? बाकी के डाउट्स लेंगे आपके टास्क के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। 30 जुलाई ट्यूसडे को आपका टास्क 12 होगा, फिर 13 और 14। आई होप पिछले टास्क आपने कंप्लीट किए होंगे बहुत अच्छे से। टेलीग्राम पर भी मैं सर्वे कराता हूँ तो काफ़ी अच्छा ग्राफ है अभी तक भी। जनरली 4-5 दिन के बाद जो जोश होता है वो ठंडा पड़ जाता है, सिर्फ कुछ गिने चुने बच्चे बच जाते हैं जो कि अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। लेकिन सर्वे में देख पाता हूँ मैं कि 100 बच्चे, 80-90 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे, 40-50 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पार्शली अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। पार्शली मतलब 40-50% वो कंप्लीट करते ही है टास्क। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो करेगा सिलेक्शन उसका ही होगा, जो नहीं करेगा टास्क, जो नहीं पढ़ेगा, वो बाद में बस यही कहता रह जाता है कि कंपटीशन बहुत हाई है, ये सब चीज़ें। तो उसको कोई हक भी नहीं है कहने का। जो मेहनत कर रहा है तब उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके लिए मेरे मन में एम्पैथी है और मैं उसके साथ भी खड़ा हूँ कि हाँ अगली बार उसका सिलेक्शन हो।
और इसीलिए मैं ये वीडियोस भी बना रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। टास्क 12 में आपको टेक्निकल बूम करना है एनवायरनमेंट का। YCT से आप करोगे, YCT के बारे में भी एक डाउट है वो मैं क्लियर करूँगा, लेकिन आप YCT से करोगे। YCT में हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन करने हैं। पहला चैप्टर 10 क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर 10 क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर 10 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा, आप क्वेश्चन देखोगे, आप तुरंत के तुरंत खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा तो आंसर देख लोगे। कोई फैक्ट बेस्ड होगा तो उस पर स्टार मार्क कर लोगे, उसे लिख लोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप फैक्ट को याद ही करो, लेकिन आपकी नज़र से निकलना चाहिए। ये क्यों हर एक चैप्टर के आपको 10-10 क्वेश्चन करने हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जो माइनर इंपॉर्टेंट, जो बहुत कम इंपॉर्टेंस वाले होंगे, लेकिन फिर भी आपको उनको करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। SSC JEE मेंस ये दूसरी बार होगा ऑब्जेक्टिव, पिछली बार बहुत ईजी आ गया था, इस बार टफ भी आ सकता है, इंटरमीडिएट लेवल कैसा भी आ सकता है। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो YCT इंटरमीडिएट लेवल है, तो आप इसको करोगे तो काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट करना है आपको टास्क 12 में टेक्निकल बूम। ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप, पहला चैप्टर सॉइल का, इसमें आपको ESC के क्वेश्चन और SSC JEE के क्वेश्चन और YCT तीनों के क्वेश्चन करने हैं, प्लस नोट्स। ये जो दो चैप्टर मैं आपको देता हूँ, सिर्फ दो चैप्टर मैं आपको इसलिए देता हूँ कि आपके पास मौका होता है। हमारे मार्क्स इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि जो हमें आता है बस हमें उतना ही, हम उससे आगे नहीं बढ़ते। जैसे हमें हमारे पास कोई नॉलेज इतनी है, हम इसके अराउंड ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अराउंड ही पढ़ रहे हैं, हमारी नॉलेज एनहेंस नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से जो हमारा थ्रेशोल्ड आ चुका है कि हमारे इससे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, उसे बढ़ाने का तरीका यही है कि आपको नई नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी। वो मिलेगी आपको नोट्स में। नोट्स में हर एक चीज़ है। अगर नोट्स से बाहर कुछ चीज़ आ रही है तो उसको आपको छोड़ देना ही बेहतर होगा। नोट्स से बाहर वाली चीज़ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस, छोड़ दो उसको। नोट्स में सफिशिएंट चीज़ें हैं, आपको बस उतना ही करना है। तो नोट्स आप जब पढ़ते हो तो आपका लेवल बढ़ता है। हर बार आप जब नोट्स पढ़ोगे आपको ऐसा महसूस होगा कि आज आपने कुछ नया सीखा। तो जब मैं ये दो चैप्टर आपको पढ़ने के लिए बोलता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको इन डेप्थ इनको पढ़ना है। दो चैप्टर सिर्फ मैं इसलिए ही देता हूँ। आप जब खुद से पढ़ने बैठते होंगे तो आप सोचते होंगे ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। कुछ एक फिक्स्ड आपके पास टारगेट नहीं होता है कि आज ये करना है। मैं आपको फिक्स्ड टारगेट दे रहा हूँ कि आपको ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप, पहला चैप्टर है सॉइल का, इसके नोट्स आपको पढ़ने हैं। ESC के कुछ क्वेश्चन कर लेना, मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, ज़्यादा 5-10 क्वेश्चन कर लेना। SSC JEE थोड़े इजी होते हैं तो 10-20 क्वेश्चन कर सकते हो। YCT भी थोड़े इजी होते हैं, 15-20 क्वेश्चन इसके कर लेना। ऐसे ही फ्लूड प्रॉपर्टीज़, ये भी पहला चैप्टर है फ्लूड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं फ्लूड प्रॉपर्टीज़ से, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो आपको इसको नोट से पढ़ना है। दूसरी बात ध्यान रहे कि सिलेबस जो मैंने आपको दिया था, अपलोड किया था, उसकी प्रिंट आउट आप निकलवा के रख लो। जो आपके पास पिछला पेपर हुआ है उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लो, एटलीस्ट नोट डाउन कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। मेरे पास भी नोट डाउन है, चलो मैं वो अपलोड कर दूंगा। आपको देखना है कि अगर सिलेबस में कोई टॉपिक मेंशन नहीं है तो नोट से एक बारी के लिए आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन अगर सिलेबस में विस्कोसिटी लिखा दिख गया और आपने नोट से छोड़ दिया, मतलब आपका सिलेक्शन रुकने वाला है, रुक सकता है। तो अगर टर्म मेंशन है सिलेबस में तो फिर तो करना ही है, तो इसलिए सिलेबस साथ साथ रखना है। आपको किसी टॉपिक में ऐसा डाउट हो कि यार ये करूं कि नहीं करूं, सिलेबस देख लो। अगर सिलेबस में नहीं लिखा है तो एक बारी के लिए आप उसको छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर लिखा हुआ है तो छोड़ना है ही नहीं। अब थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। टास्क तेरह जो कि आप वेंसडे को करोगे, इसमें टेक्निकल बूम ऑफ स्टील करोगे। आप फिर से सिलेबस को ध्यान में रख के सिलेबस देख लेना क्या लिखा है, उसके हिसाब से टेक्निकल बूम करना, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन। आपको नोट्स और क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करने हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ LSM एंड WSM, ये आप SSC JEE के प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग में आपको चैप्टर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सा चैप्टर है ये। और रेलवे में तो आप सिंपल ये करोगे, थोड़े बहुत नोट्स पढ़ लो, कोई बात नहीं, नोट्स बहुत वास्ट हैं रेलवे के। ऐसा नहीं कि आपको रेलवे में बिल्कुल थीसिस लिखनी है या ESC के लेवल का प्रिपेयर करना है। आपको SSC JEE के जो PYQ हैं उनको एक बार प्रिपेयर कर लेना और उनके अकॉर्डिंग फिर आप नोट्स पढ़ लेना। ऐसे ही टास्क 14 में थर्सडे को जो टास्क है आपका टेक्निकल बूम, सोइल का टेक्निकल बूम आपको करना है, YCT से ही आप करोगे। उसके बाद रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ, इसको आप नोट से पढ़ना और SSC JEE के PYQ प्रैक्टिस करना, ESC के प्रैक्टिस करना और YCT तीनों से प्रैक्टिस करना। कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं और उसके बाद आपको अटैम्प्ट करना है उनको, कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो भले ही मैं आपको 5-10 क्वेश्चन बोल दूँ, लेकिन अगर आपने हाइड्रोग्राफ पढ़ा और आपको अब समझना है उसको अच्छे से कि आपको आया है कि नहीं आया है, तो आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखोगे। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
होल पर्पज़ ये है कि अलग अलग बुक से मैं आपको क्यों क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूँ। और दूसरा लेवलिंग, वैसे ही नोट से पढ़ना है और PYQ इसके देखने हैं, ESC, YCT और SSC तीनों के, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो सकता है, क्वेश्चन पेपर का लेवल जो आपका SSC JEE Mains का आने वाला है। अब आते हैं आपके डाउट्स के ऊपर। पहला डाउट, मिलियन डॉलर डाउट, YCT AE में बहुत सारी मिस्टेक हैं, करें कि नहीं करें इसको। देखो एक तरीका है कि YCT AE को हम देखते हैं ऐसे कि 22,000 क्वेश्चन है इसके अंदर या 30,000 क्वेश्चन है इसमें, कैसे होंगे ये क्वेश्चन, 22,000 क्वेश्चन करने से ही सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ओरिजिन ऑफ सॉइल, जैसे छोटा सा ओरिजिन ऑफ सॉइल लेवलिंग है, आपने बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ा, आपने इसको नोट से पढ़ लिया, लेकिन आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ये आपको PYQ से ही पता चलेंगे। अब ESC के या SSC के PYQ देखो तो बहुत कम है, वैरायटी बहुत कम है। YCT एकमात्र ऐसी किताब है जिसके अंदर हर स्टेट के जो पूछे हुए AE के क्वेश्चन हैं वो हैं। AE के क्वेश्चन मतलब सिंपल, इंटरमीडिएट और हार्ड, तीनों टाइप के लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर कहीं पे आपको ये तीनों वैरायटी मिल रही हैं किसी एक टॉपिक के लिए तो ये रामबाण है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसके अंदर मिस्टेक्स ज़्यादा हैं कि नहीं, आपको इससे आइडिया भी मिल रहा है कि जो मैंने पढ़ा है वो किस तरह से पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। बिल्कुल मिस्टेक्स हैं इसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन का एक देखो तो कितना बंडल ऑफ क्वेश्चन हैं इसके अंदर, 22,000, कितनी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। जो मिस्टेक्स हैं, ज़्यादातर मिस्टेक्स फैक्ट्स वाले क्वेश्चन में है, एक बारी के लिए उनको साइड में कर देना। रटने के लिए आपको YCT नहीं पढ़नी है कि हाँ जितने ज़्यादा क्वेश्चन दिख जाएँ उनको रट लूँ मैं, नहीं, आपको जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करके देखना है। न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये है तरीका YCT को करने का। अगर लोड लेके करोगे कि 22,000 क्वेश्चन बस किसी तरह से ख़त्म कर दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसे आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे इससे। आपको सीखना बस इतना है, जो आपने टॉपिक पढ़ा उसकी आपको वैरायटी चाहिए, उसके क्वेश्चंस की वैरायटी चाहिए, वो आपको YCT AE से मिलेगी। जहाँ पे डाउट लगे आपको कि हाँ ये गलत हो सकता है, इसका आंसर मेरे कॉन्सेप्ट से अलग है, उसको कट कर दो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आपको टाइम लगता है उसमें सीखने में भी, उसको कहीं से चेक करने में, तो कट कर दो उसको, कोई बात नहीं। आपको रटनी नहीं है चीज़ें कि आपने उसको रट लिया और फिर एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ गया, ऐसा इस तरह से सोचोगे तो कोई भी किताब नहीं कर पाओगे, हर एक किताब में गलतियाँ हैं। तो इस मिस्टेक्स को देखोगे तो मिस्टेक्स का परसेंटेज बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जितने क्वेश्चन ऑफर कर रहा है। तो इस मिस्टेक वाली नेगेटिविटी से बिल्कुल बाहर आ जाओ, यहीं से होगा सिलेक्शन, क्योंकि ये आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। RRB JEE के लिए गाइडेंस मैंने आपको बता दिया, मुझे जैसे ही 50 बच्चे मिल जाएंगे जो कि कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं कि हाँ हम हर दिन का टास्क करेंगे एग्ज़ाम तक, इस दृढ़ निश्चय के साथ मेरे पास आएंगे, मुझे बोलेंगे, मैं बिल्कुल अपना समय निकाल के आप लोगों के लिए बनाऊंगा वीडियो। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स मुझे नहीं मिलते हैं तो मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, उससे भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि इससे ही आपका सिलेक्शन होगा। आपके अंदर अपना दृढ़ निश्चय है, आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हो, इनर मोटिवेशन आपके अंदर है, तो आप इस एक वीडियो से भी सिलेक्शन ले लोगे, तो मैं ये एक वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। आगे चलते हैं, मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं। देखो मॉक्स देना और उसके बाद फिर मार्क्स कमाना, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एनालिसिस करना ज़रूरी है। आपको खुद से पता चलेगा कि आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। पहला रीज़न, सिली मिस्टेक्स आपकी हो सकती है। सिली मिस्टेक्स कई तरह की हो सकती हैं। पहला, आपने क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ा कि उसके अंदर पूछा क्या था। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा कि यार इसके अंदर ये टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा आ रहा है, ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा था, इसका आंसर ए होगा सीधा, क्या पता क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया हो, ठीक है। आपने ढंग से पढ़ा नहीं क्वेश्चन को, आपने येस नो नहीं देखा, उसमें नो पूछा है क्या पूछा है, ये इस टाइप की सिली मिस्टेक्स। अब ये बताओ कि ये अगर आप ध्यान से पढ़ लेते क्या आपके मार्क्स 2-4 नंबर और ना बढ़ जाते? आप कह रहे हो आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या अगर आपने ये सिली मिस्टेक हटा दी तो क्या 2-4 मार्क्स नहीं बढ़ेंगे? क्या करना है इसके लिए? इसके लिए बस अवेयर होके आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी, जैसे मैंने YCT AE से बोला आपको, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने क्वेश्चन पढ़ा और सीधा एग्ज़ाम दिया। आपने कॉन्सेप्ट जो सीखा था, जरूरी नहीं कि आपने जो पहली बार सीख लिया वही बिल्कुल सही है, हम कई बार गलत भी इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो जब क्वेश्चन में आता है फिर उसको उसके अंदर अपने लॉजिक लगाते हैं और नॉर्मली वो लॉजिक गलत होता है। तो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उससे आसपास आप मतलब वैसे क्वेश्चन आपने किए होंगे तो आपके वो कॉन्सेप्चुअल जो गलतियाँ हैं वो नहीं होंगी। तीसरा लैक ऑफ रिविज़न। आप ये देखोगे 100 क्वेश्चन हैं
तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो लगभग उसके अराउंड ही आएंगे। आप ये देखोगे आपने फॉर्मूला थोड़ा सा गलत कर दिया, आपने रिवीजन नहीं किया था, तो क्योंकि वो जो डिनोमिनेटर में था वो आपने न्यूमरेटर में कर दिया और आंसर गलत निकाल दिया, आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत कर दी। आप मुझे ये बताओ कि ये जो चीज़ें मैं जितनी आपको बताई है क्या ऐसी गलती नहीं होती आपकी? ऐसी गलती बिल्कुल होती है, ऐसी गलती 5 से 10 क्वेश्चन की बिल्कुल होती है। अगर आप इसको हटाओगे तो क्या आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे? ये 5 से 10 ये कैसे आएंगे? ये सब प्रैक्टिस से आएगा। इसके अलग ये मान लो ये चीज़ आप करने के बाद भी आपके मार्क्स वहीं के वहीं थ्रेशोल्ड में है, तो मैंने अभी इसी वीडियो में बताया है कि आपका लेवल अब एक थ्रेशोल्ड आ चुका है, अब आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको नोट्स से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपने जो अब तक सीखा है, नॉलेज गैदर करी है, वो उतनी सफिशेंट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम निकले, तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए आपको नोट्स में जाना पड़ेगा। इसलिए जो मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ उनको नोट्स से भी पढ़ो। आगे चलते हैं, स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर SSC JEE 2025। इसको मैं क्लब कर लूँगा RRB JEE के साथ। बाकी देखो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, मेरा सर्विस भी है मेरी और साथ में थोड़ा पर्सनल लाइफ भी है, साथ में वीडियोस बना रहा हूँ। एक वीडियो बनाने में भी काफ़ी घंटे लग जाते हैं, उनको अपलोड करना, एडिट करना, लिटरली बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं चाहूँ तो मेरे पास मैं डेली आपको टास्क दे सकता हूँ, बहुत सारे व्यूज़ भी आ जाएंगे, हर दिन की वीडियो, हर दिन के टास्क, ठीक है। मैं एक साथ आपको सीधा 3 दिन 4 दिन के टास्क दे देता हूँ, कोई व्यूज़ का मोह नहीं है, बस ये है कि टाइम की बहुत कमी है। तो SSC JEE 2025 करना चाहते हो तो टेक्निकल में आपको जो टास्क दे रहा हूँ उससे आप कर सकते हो। RRB JEE अगर जो मैंने स्टार्ट कर दिया तो नॉन टेक आप यहाँ से कर सकते हो, तो आपको थोड़ा इम्प्रोवाइज तो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, सिलेक्शन आपको लेना है, आपका टाइम बच जाता है। आपको मैं जो टास्क देता हूँ, ऐसे होनहार बच्चे भी हैं बहुत सारे जो मतलब समय से पहले अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद उनके पास और टाइम होता है, उनको और चाहिए। ये मोटिवेटेड बच्चे जो हैं इनका बिल्कुल सिलेक्शन होगा, बाकी के टाइम में क्या करें। मतलब ये सुन के मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आपने सारा टास्क कंप्लीट कर लिया। कुछ बच्चे बहुत कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता क्योंकि टाइम की कमी है, मान गए उस बात को। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, रिमेनिंग टाइम में क्या करें। टेक्निकल पैकेज बिल्कुल कर सकते हो, जो मैंने आपको टास्क दिया है उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचे आप उसके अंदर अपने हिसाब से चीज़ें करो। टेक्निकल पैकेज बिल्कुल कर सकते हो आप, टेक्निकल पैकेज नोट्स रिवाइज करने ही हैं। जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ उससे नोट्स रिवाइज अपने आप होंगे, लेकिन आप अलग से टाइम दे सकते हो नोट्स रिवाइज का। टेक्निकल पैकेज मैं अभी इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार चाहता हूँ कि सभी सब्जेक्ट के आपके टेक्निकल बूम हो जाएं। एक बार सभी सब्जेक्ट के टेक्निकल बूम आपके हो गए तो एक ओवरऑल आप हर एक सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट का रिवीजन आपका हो जाएगा, तो फिर मैं टेक्निकल पैकेज भी आपके इस टास्क में इन्वॉल्व कर लूँगा। तो तब तक अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। टेक्निकल बूम हाउ मेनी क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, मैं आपको बता देता हूँ, ये वेरी करते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ कि 10 करने पीछे 20 करने हैं। लेकिन टेक्निकल बूम में क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं YCT में, 15 किसी में, 15 किसी में, 20 इस तरह से हैं, तो हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन भी कर लोगे काफ़ी है। और वीडियो टाइमिंग, वीडियो की टाइमिंग आगे पीछे होती रहती है क्योंकि मैंने आपको बताया कि काफ़ी बिजी रहता हूँ मैं और बहुत सारे काम और भी होते हैं मेरे पास, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का नुकसान ना हो। तो रात को 1 बजे 2 बजे भी फ्री हुआ तब भी मैं आपको मतलब वीडियो अपलोड कर देता हूँ या लिख के मैं टास्क को अपलोड कर देता हूँ, तो इसमें तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ी टाइमिंग मैनेज करने की ताकि आपको सही टाइम पर टास्क मिल जाए। तो ये था आज की वीडियो में, बहुत अच्छे से मेहनत करोगे सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस तो आपको निकालना है, इन टास्क को फॉलो करोगे 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।